हेलो फ्रेंड्स, अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की वेबसाइट पे जो हम इमेज यूज़ करते हैं उस इमेज का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, मतलब कि उस इमेज को किस तरह से कंप्रेस करना है ताकि उसका जो साइज हो वो 100 या 50 केबी से भी नीचे चला जाए, ठीक है, ताकि हमारे ब्लॉग का जो लोडिंग स्पीड है वो इतना अच्छा रहे कि कोई भी यूजर आए तो हमारे ब्लॉग को जब ओपन करे तो वो तुरंत खुल जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, और एक तरीका मैं ऐसा ही बताऊंगा जिसमें कि अगर आपके पास कोई भी टूल नहीं है तो आप व्हाट्सएप का यूज करके अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आपको इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं आपको 2 से 3 तरीके आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है कनवा। कनवा में अगर आपके पास कनवा का फ्री वर्जन है तो भी आप कर सकते हो, कनवा का प्रो वर्जन है तो भी कर सकते हो। कनवा का प्रो वर्जन अगर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप कनवा का प्रो वर्जन एक्टिवेट कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास ये कनवा का है तो कनवा में सबसे पहले आपको वेबसाइट के लिए जो इमेज बनानी होती है, चाहे जो भी आपका डायमेंशन हो जो भी हो, वो आप यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट कर लो या फिर कस्टम साइज सेलेक्ट कर लो। तो जनरली जो होती है वो 1080 और 640 इसी की जो साइज़ की डिज़ाइन होती है, जो भी इमेज की साइज होती है, ठीक है, डायमेंशंस वो जो है हम अपने ब्लॉग में यही जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू डिज़ाइन आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले से एक फ़ोटो यहाँ पे डाल के रखा हुआ है हाई क्वालिटी का, तो ये देखिए ये अब हाई क्वालिटी का एक फ़ोटो है। तो कनवा से कैसे रिड्यूस करना है, तो इसके लिए सीधा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप सारा इमेज अपना प्रिपेयर कर लो, जैसे आपको बनाना है बना के रेडी कर लो। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है। डाउनलोड पे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो PNG है सजेस्टेड, लेकिन आपको PNG में नहीं करना है, आपको किस में करना है, JPG में करना है। JPG में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपका प्रो वर्जन है तो आपको साइज और क्वालिटी दोनों मिल जाएगी। तो साइज में आप साइज तो मेरा यही है, लेकिन क्वालिटी जो है यहाँ पे देखिए 80 है, ठीक है, लार्ज है, तो इसको मैं स्मॉल कर दूंगा, ठीक है, तो 15 हो गया, इससे भी आप स्मॉल कर सकते हो, 9 हो जाएगा। तो जितना स्मॉल करना है इतना भी स्मॉल मत कर दो कि पिक्सल जो है वो ब्लर होना शुरू हो जाए। तो आपको कम से कम 10 से 20 के बीच में आप कहीं भी रख लो और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लो। तो एक तरीका ये हो जाएगा, इससे जो इमेज डाउनलोड होगी वो जो है वो बहुत ही कम केबी की होगी। अब जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अब यहाँ पे आप देखा जो मैं अपने डेस्कटॉप पे आकर दिखा देता हूँ, जैसे देखिए 2 यहाँ पे इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है इसकी साइज जो है वो अगर प्रॉपर्टीज में चेक कराऊँ तो यहाँ पे देखिए इसकी साइज 1.23 MB है, जो कि PNG इमेज है, आप देख सकते हैं 1.23 MB इसकी साइज है। लेकिन अगर वही JPG वाली इमेज मैं आपको चेक कराऊँ तो इसकी साइज अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसकी साइज यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मैं चेक कराता हूँ तो ये देखिए 37 KB हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है इमेज का साइज यहाँ पे कम हो चुका है। और मैं अगर इमेज को ओपन करके आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा सा अंतर दिखेगा कि इमेज की जो साइज है उसमें क्या चेंजेज है। यहाँ पे आपको ये दोनों इमेज में आपको चेंजेस कुछ ज़्यादा माइनर नहीं दिखेगा, आपका साइज क्वालिटी आपकी सेम रहेगी, सिर्फ आपका साइज जो है वो एकदम कम हो जाएगा। आप जैसे यहाँ पे मैं पिकासा में इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये जो इमेज है ये JPG इमेज है, आप देख सकते हैं JPG इमेज है, इसमें कोई भी आपको डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। और मैं जैसे ही ये देखिए यहाँ पे आपको PNG इमेज में दिखाता हूँ तो ये देखिए ये PNG इमेज है, आपको कहीं भी कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, सिर्फ आपको यहाँ पे कुछ दिखेगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्लर पिक्सल दिख रहा है, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको इमेज एकदम बिल्कुल सेम दिख रहा है, ठीक है, तो साइज बिल्कुल आपकी साइज कम हो चुकी है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा तरीका ये है कि तो अगर आपके पास फोटोशॉप का एप्लीकेशन है तो आपको क्या करना है, फोटोशॉप को ओपन कर लेना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे आपको जाना है और क्रिएट न्यू पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको जो है वो एक आपको साइज सेलेक्ट करने का यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको जो भी साइज आपको सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे विड्थ और ये हाइट, तो यहाँ पे इसको इंचेज में है, इसको सबसे पहले आप पिक्सल्स में चेंज कर लो। पिक्सल्स में चेंज करोगे तो यहाँ पे देखिए पिक्सल्स डालने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1080 कर देना है और ये जो है वो हो जाएगा आपका 640, ठीक है, और ये पिक्सल्स और ये इंचेज ये सारे चीज़ ऐसे ही रहेंगे, वाइट बैकग्राउंड रहेगा आपका, और फिर आपको इस पर क्रिएट कर देना है,
ठीक, तो ये जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे आपका एक कनवास ओपन हो गया। अब आपको इस कनवास पे जो भी आपने इमेज जो है वो डाउनलोड की हुई है या फिर जो भी आपने इमेज बनाया हुआ है उस इमेज को लेकर के यहाँ पे आना है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, या तो आप यहाँ से फाइल को ओपन करो, यहाँ पे फाइल पर क्लिक करो और यहाँ पे ओपन करो। तो यहाँ पे ओपन करोगे तो ये सीधा ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप जाओगे तो इस डेस्कटॉप पे जो भी फोटो है उसको आप सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लोगे। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप में इसमें से जो भी फोटो है, अब जैसे ये PNG वाला फोटोज है 1.23 वाला, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा और सीधा यहाँ पे लाऊँगा और इस पे रख दूंगा। ये अपने आप आ करके यहाँ पे सेट हो जाएगा। मुझे यहाँ से सिर्फ यस कर देना है। अब ये इमेज यहाँ पे PNG इमेज आके सेट हो गया। अब इसको जब आप डाउनलोड करोगे, जब सेव करोगे, तो सेव करते समय बस आपको इसके साइज का ध्यान कर रखना है। तो सेव एज पे आप क्लिक करोगे, फिर इसके डेस्कटॉप पे जाओगे। यहाँ पे आपको फाइल नेम आपको कुछ दे देना है, जैसे कि फाइल नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ये सेव एज टाइप जो है इसको आपको चेंज करना है, इसको आपको JPEG में करना है और फिर यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आया JPEG ऑप्शन में, तो यहाँ पे अब इसके साइज को आपको घटाना है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे 203K का साइज जो है वो मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो इसको मुझे कम करना है। तो कम कैसे करेंगे, तो इसको प्रोग्रेसिव पे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इसको जो है प्रोग्रेसिव पे मैंने जैसे सेलेक्ट किया वो ये 196 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं स्मॉल करते जाऊँगा, यहाँ पे एकदम स्मॉल पे लेके आऊँगा। तो देखिए 62 हो गया, और स्मॉल अगर जाऊँगा तो ये इतना ही रहेगा। अब इससे स्मॉल करोगे तो पिक्सल जो है वो फटने लगेंगे, जैसे 58 तक जाएगा ये। तो एक तरीका ये हो गया। अब इसको आप ओके करोगे तो ये जो है वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से साइज जो है वो आपका 60K का साइज हो गया। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि आपको फोटोशॉप से कैसे करना है। ठीक है, अब फोटोशॉप से आपने कर लिया। अब तीसरा जो तरीका है वो है TinyPNG। TinyPNG.com एक वेबसाइट है, या फिर और भी इसके जैसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जो है साइज को कम कर सकते हो। अब TinyPNG में क्या होता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप TinyPNG तब यूज करो जब आप या तो कनवा से या फिर फोटोशॉप से पहले साइज डिक्रीज कर लो। ठीक है, तो कनवा या फोटोशॉप से जब साइज डिक्रीज करोगे तो ये और उसको डिक्रीज करेगा, कंप्रेस करेगा। लेकिन अगर नहीं करोगे कनवा या अगर नहीं करोगे कनवा से या फिर फोटोशॉप से, तो ये जो है 128 का अगर 1 MB का साइज है तो ये आपका जो है वो 100-200 से ऊपर ही रखेगा, उसको कम नहीं करेगा। ठीक है, मुश्किल से 60-70% करता है कम, लेकिन फिर भी आपका जो है वो 100 KB से ऊपर का साइज हो जाएगा। इसीलिए आपको जो है आपको सबसे पहले आपको क्या करना है कि कनवा या फिर फोटोशॉप से उसकी साइज एकदम कम कर देनी है, उसके बाद फिर यहाँ पे लेके आना है। अभी से वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे सीधा आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको जो है ये डेस्कटॉप पे मान लीजिए जहाँ भी आपने फाइल सेव करके रखा हुआ है तो यहाँ पे आपको चले जाना। तो ये मेरा जो है ये वाला जो फाइल है ये वाला जो यहाँ पे ये वाला जो फोटो है वो है अब मेरा फोटोशॉप का, और ये वाला जो फोटो यहाँ पे है ये वाला। ठीक है, तो ये वाला फोटो जो है वो है मेरा कनवा का। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तीनों फोटो जो है इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और देखता हूँ कि कौन फोटो को इसने कितना दे दिए वो KB में वो किया। तो ये यहाँ देखिए ये 1.3 MB का है, ये 38 KB का है और ये 68 KB का है। तो 68 KB को इसने 62 KB डाल दिया, माइनस 8 किया। 38 वाला KB का जो मेरा JPEG था उसको इसने 29 कर दिया। अब देखो ये 30 से भी नीचे आ गया। ठीक है, और ये देखिए 1.3 MB जैसा कि मैंने बताया था उसको इसने सिर्फ 400 किया। ठीक है, 408 KB जो है इतने में किया है। तो देखिए सबसे फायदे वाला कौन है, मेरा ये कनवा वाला है। कनवा का जो मैंने यहाँ पे डाला है, कनवा का जो इमेज मैंने किया था वो 38 KB पे आया था और फिर 29 KB पे ये हो गया। तो ये सबसे लेस हो गया, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से। डाउनलोड करते ही ये फिर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा जो है वो इमेज जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर आपके पास फोटोशॉप या कनवा अगर नहीं है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है कि अपने फोटोज़ को, जो भी फोटोज़ आपने बनाया हुआ है उसको अपने मोबाइल में आप डाल लो और अपने व्हाट्सएप पे एक अकाउंट अलग से बना लो, या फिर अपना कोई दोस्त है या फिर कोई भी, ठीक है, रिलेटिव्स हैं घर में अगर किसी के पास मोबाइल है तो उनके मोबाइल्स को ले लो। आप उस इमेज को उनके मोबाइल पे सेंड करो, ठीक है, और फिर उनके मोबाइल से अपने मोबाइल पे सेंड कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपका 2 बार इमेज कंप्रेस होगा। तो अगर आपका 1 MB का भी इमेज होगा ना तो वो 100 KB से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से वो
क्या है कि व्हाट्सएप में ऑटोमेटिक कंप्रेशन लगा हुआ है, वो हर एक इमेज और वीडियो को कंप्रेस करके ही भेजता है, तो उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप एक बार सेंड करो, फिर बैक ले लो, आपका इमेज जो है वो 50 KB के आसपास आ जाएगा। फिर वहाँ से आप क्या करो कि इसमें आप डाल के टाइनी PNG में और कम कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इसी तरह से आपको इमेज ऑप्टिमाइजेशन पूरी की पूरी करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अपना इमेज ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से करना है, अपने इमेज की साइज को किस तरह से रिड्यूस करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें से कोई एक तरीका आप यूज करके अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जो कंप्रेस्ड इमेज है उसको आप ऑनलाइन जो है वो WebP में कन्वर्ट करके, WebP जो है वो लेटेस्ट और वेरी बहुत ही लाइट वर्जन होता है इमेज का, जिसको कि अगर आप अपने वेबसाइट पे यूज करते हो तो वो तुरंत ही ओपन हो जाता है बिना लोड लिए, ठीक है। तो इसीलिए आप जो है आप जो कंप्रेस्ड पहले इमेज को कंप्रेस्ड कर दो, और कंप्रेस्ड करके आप चाहो तो उसको WebP में कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो, या फिर एज इट इज जो कंप्रेस्ड इमेज है उसको भी आप जो है यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।